नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरोत्तम और अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हो तो ये कैपेसिटर को ज़रूर जानते होंगे। इसको नॉन पोलर कैपेसिटर बोला जाता है और सेरेमिक कैपेसिटर बोला जाता है और इसको पॉलीप्रोपिलिन कैपेसिटर भी बोला जाता है। कोई कोई लोग इसको पीएफ कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इसके ऊपर जो भी सारे चीज़ें लिखा जाता है उसका क्या मतलब होता है। ये मत सोचना कि ये सारे चीज़ें इसका वैल्यू होते हैं। देखिए, ये तो इसका वैल्यू होता है लेकिन कोड के दौरान लिखा हुआ होता है। ये कोड को तोड़ के इसका वैल्यू को निकालना पड़ता है और ये कोड को तोड़कर कैसे इसका वैल्यू निकालना होता है ये मैंने इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं, हमारा जितने भी सारे नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं या फिर पोलर कैपेसिटर होते हैं इनका जो वैल्यू होता है वो हमारा तीन प्रकार में लिखा जाता है। सबसे पहला हो गया पीएफ यानी कि पिको फैराडे। ये जितने भी सारे नॉन पोलर कैपेसिटर देख रहे हैं इनका वैल्यू हमारा पीएफ में लिखा जाता है, पिको फैराडे में लिखा जाता है, इसीलिए इनको पीएफ बोलते हैं। और बाकी दूसरा हो गया हमारा एनएफ यानी कि नैनो फैराडे। ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं ये भी हमारा नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं और इनका जो वैल्यू होता है वो हमारा नैनो फैराडे में लिखा जाता है। और तीसरा हो गया हमारा म्यूएफ यानी कि माइक्रो फैराडे। ये जितने भी सारे पोलर कैपेसिटर देख रहे हैं इनका वैल्यू हमारा माइक्रो फैराडे में लिखा जाता है। तो ये तीन प्रकार हमारा हो गया। तो चलिए अब हम जानते हैं इसका जो कोड होता है इसको कैसे तोड़ना है। देखिए, सबसे पहले तो ये कैपेसिटर के ऊपर सी डबल भी लिखा हुआ आएगा, ये हमारा दर्शाता है कि ये कैपेसिटर हमारा पॉलीप्रोपिलिन कैपेसिटर है। अगर सी डबल भी लिखा हुआ नहीं होगा तो ये हमारा पॉलीप्रोपिलिन कैपेसिटर नहीं होगा। उसके बाद में आपको 22 या फिर 21 लिखा हुआ आएगा, ये हमारा कैपेसिटर का मॉडल नंबर को दर्शाता है। जैसे कि 22 लेटेस्ट मॉडल नंबर है और 21 थोड़ा सा पुराना मॉडल नंबर है। तो इसके बाद आता है हमारा कोड का सेक्शन, यहाँ पर आपको तीन नंबर दिखाई देगा और इसके बाद में जे या फिर के या फिर एम लिखा हुआ होगा। और ये जे के एम का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये तीन जो कोड होते हैं इनसे हम ये कैपेसिटर का वैल्यू को कैसे निकालेंगे। देखिए, वैल्यू निकालने के लिए कोड का तीनों नंबर में से सबसे पहले दो नंबर को कुछ इस प्रकार से रख दीजिए, उसके बाद इनटू का साइन लगाइए और उसके बाद 10 लिखिए और इसके बाद ये 10 के ऊपर जो हमारा कोड का तीसरा नंबर है उसको लगा दीजिए कुछ इस प्रकार से। और अभी कैलकुलेशन कीजिए, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो मोबाइल का जो कैलकुलेटर है उसको ओपन कीजिए, यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर मिल जाएगा और यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशन कर दीजिए। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ये हमारा पिको फैराडे में होगा, क्योंकि मैं आपको पहले से ही बताया था ये जो कैपेसिटर होता है ये हमारा पिको फैराडे में वैल्यू देता है। और अगर आप ये कैपेसिटर का वैल्यू को नैनो फैराडे में निकालना चाहते हो तो ये जो पिको फैराडे में वैल्यू मिला है इसके साथ में 1000 को भाग लगा दीजिए। अभी जो वैल्यू मिल रहा है ये हमारा नैनो फैराडे में वैल्यू है। और इसको माइक्रो फैराडे में निकालने के लिए ये नैनो फैराडे में जो वैल्यू मिला है इसके साथ में और एक बार 1000 को भाग लगा दीजिए, ये हमारा जो वैल्यू मिलेगा ये हमारा माइक्रो फैराडे में रहेगा। इस कैपेसिटर का वैल्यू जो माइक्रो फैराडे में मिल रहा है ये हमारा 1 है, यानी कि ये कैपेसिटर का वैल्यू है 1 माइक्रो फैराडे। तो इसी प्रकार से ये जितने भी सारे हमारा सेरेमिक या फिर नॉन पोलर कैपेसिटर या फिर पीएफ जो भी बोलते हो इसका वैल्यू को निकाल सकते हो। तो अभी मैंने और एक कैपेसिटर को ले रहा हूँ और इसका वैल्यू को निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कोड है 104 यानी कि 104। तो यहाँ पर इसका वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले जो दो नंबर है वो है हमारा 10, तो इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रख लेते हैं, उसके बाद इनटू का साइन को लगाते हैं, उसके बाद 10 लिखते हैं और जो तीसरा नंबर है वो हमारा 4 है यानी कि 4 है, तो ये 10 के ऊपर 4 लिखते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो वैल्यू निकला है ये हमारा पीएफ में निकला है यानी कि पिको फैराडे में। और इसके बाद हम एनएफ में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल रहा है ये हमारा एनएफ में है। तो अभी हम इसको माइक्रो फैराडे में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो वैल्यू हमारा निकल रहा है ये हमारा माइक्रो फैराडे में है, यानी कि ये हमारा 0.1 माइक्रो फैराडे का एक कैपेसिटर है। तो इसी प्रकार से आप कोई भी कैपेसिटर का वैल्यू को निकाल सकते हो। तो अब ये तीनों नंबर के बाद हमारा कैपेसिटर में एफ जी जे के एम जेड इनमें से कुछ भी एक लिखा हुआ आ सकता है, ये भी हमारा एक प्रकार का कोड होता है, इसको कॉमन टॉलरेंस कोड बोला जाता है। और इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इस कैपेसिटर में हमारा जे लिखा हुआ है तो जे का मतलब होता है 5% टॉलरेंस और टॉलरेंस का मतलब होता है कम या फिर ज़्यादा। जैसे कि इस कैपेसिटर का वैल्यू है हमारा 1 माइक्रो फैराडे, तो इसका टॉलरेंस है 5%, क्योंकि यहाँ पर जे लिखा हुआ है तो 5% मतलब ये जो हमारा 1 माइक्रो फैराडे है इसका वैल्यू यहाँ पर 1 माइक्रो फैराडे से 5% ज़्यादा हो सकता है या फिर 5% कम हो सकता है, तो ये होता है टॉलरेंस। तो ऐसे ही हमारा कैपेसिटर में जितने भी सारे कॉमन टॉलरेंस कोड का इस्तेमाल किया जाता है इनका टेबल मैंने यहाँ पर बना दिया हूँ। तो कौन सा कोड का कितना
कितना टॉलरेंस है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी हमारा लास्ट में आता है वोल्टेज, आप लोग देख सकते हो ये हमारा डायरेक्टली कैपेसिटर के ऊपर लिखा हुआ होता है। जैसे कि इस कैपेसिटर के ऊपर हमारा 400 भी लिखा हुआ है यानी कि 400 वोल्ट है, तो ये कैपेसिटर हमारा 400 वोल्ट के अंदर जितने भी सारे हमारा सर्किट होता है वहाँ पर काम कर सकता है। अगर 400 वोल्ट से ज़्यादा कहीं पर सप्लाई आता है तो वहाँ पर यह कैपेसिटर हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भी कैपेसिटर पर जितना भी वोल्टेज लिखा हुआ होगा वो कैपेसिटर उससे कम वोल्टेज में काम करेगा, उससे ज़्यादा वोल्टेज होगा तो वो कैपेसिटर खराब हो जाएगा। तो दोस्तों अभी ये नॉन पोलर कैपेसिटर में जितने भी सारे चीज़ें लिखा जाता है इनका मतलब मैंने आपको समझा दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार का ये वीडियो देखने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।